नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 22 जुलाई 2019, और कल के लिए यानी 23 जुलाई 2019 के लिए अपने 3 स्टार सेक्शन में दोस्तों मैंने 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया मंगलवार के लिए। उसे किस लेवल पर दोस्तों बाय करना है, किस लेवल पर सेल, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रहेगा, इन सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर मैं दूंगा। उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ में कमेंट सेक्शन का बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। यहाँ प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों तो अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बनी हुई है इंट्राडे ट्रेडिंग रिलेटेड। आपके सवाल मेरे जवाब का जो सेक्शन चलता है, जिसमें आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, साथ में ट्रेडिंग टर्मिनल रिलेटेड, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रिलेटेड, स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड, सारे चीजें अलग अलग प्लेलिस्ट के हिसाब से बनी हुई है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीजें आपके काम के लिए ही है, तो आपको काफी फायदा होगा इससे। तो चलिए वैसे देखते हैं कि कौन से 3 स्टॉक्स हैं दोस्तों जिसे कल हम लोग मंगलवार को यानी 23 जुलाई 2019 को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। दोस्तों, तीनों स्टॉक में ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ अपना रिसर्च और एनालिसिस को आपके एजुकेशन पर्पस के लिए पोस्ट करता हूँ, इसलिए इसमें आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक एनआईटी टेक का है। देखिए, एनआईटी टेक को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये इस रेक्टेंगल से बाहर न निकले। ये आवर्ली का चार्ट है। देखिए, कंप्लीट कितने दिनों से 15 तारीख से, बिल्कुल 15 से भी पहले 12 तारीख से कंप्लीट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे। तो एक रेंज में बना के जब तक ये ट्रेड कर रहा है इसको पकड़ के रखेंगे, बाहर जब तक ये निकल ना जाए इसको छोड़ना नहीं है। तो एनआईटी टेक को बाय करेंगे दोस्तों 1352 के ऊपर, बाय अबव 1352। पहला टारगेट है दोस्तों इस कंडीशन में 1359 का, यानी 1369 का। दूसरा टारगेट 1366 यानी 1366, और तीसरा टारगेट 1373 यानी 1373 का। स्टॉप लॉस है दोस्तों इस कंडीशन में 1345 यानी 1345 का। अगर एनआईटी टेक दोस्तों 1337 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1337। पहला टारगेट है दोस्तों 1330 यानी 1330, दूसरा टारगेट 1323 1323, और तीसरा टारगेट 1316 यानी 1316 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस 1344 का लगाएंगे यानी 1344 का। और दोस्तों, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड कीजिए, उसके बाद ही अगर स्टॉक हमारे बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ही ट्रेड करें, वरना उस ट्रेड को अवॉइड कर दें। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहां पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। दूसरा स्टॉक है दोस्तों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का, यानी आईजीएल का शॉर्ट में बोलते हैं उसे, आईजीएल। डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट में देख रहे हैं बिल्कुल ट्रेंड लाइन एक तरह का प्राइस चैनल बनाते हुए चल रहा था। प्राइस चैनल को आज इसने नीचे की साइड में डाउन साइड में क्लोज किया हुआ है ब्रेक करके। तो आईजीएल को दोस्तों कल हम लोग बाय करेंगे जब ये 318 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब, बाय अबव 318। पहला टारगेट होगा 321 यानी 321, दूसरा टारगेट 324 324, और तीसरा टारगेट 327 यानी 327 रुपए का। स्टॉप लॉस 315 का होगा यानी 315 का। अगर आईजीएल 314 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 314। पहला टारगेट है दोस्तों इस कंडीशन में 311 यानी 311 का, दूसरा टारगेट 308 308 रुपए, और तीसरा टारगेट 305 यानी 305 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 317 यानी 317 रुपए का। दोस्तों, अगर फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक आता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों ग्रासिम का। देखिए, ग्रासिम को मैंने आज भी दिया था, इसी ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक डाउन दिया हुआ था, तो ग्रासिम को मैंने दिया हुआ था। तो ग्रासिम ने बिल्कुल लो लगाया, उसके बाद काफी ज्यादा नीचे से एक सपोर्ट है इसको, उससे बाउंस बैक करके ऊपर गया हैमर पैटर्न बनाते हुए। तो ग्रासिम को दोस्तों हम लोग बाय करेंगे जब ये 896 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब, बाय अबव 896। पहला टारगेट होगा दोस्तों 902 का यानी 902 रुपए का, दूसरा टारगेट 908 908 रुपए का, और तीसरा टारगेट 914 यानी 914 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 890 यानी 890 का। अगर ग्रासिम दोस्तों नीचे की तरफ 880 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 880। पहला टारगेट है दोस्तों इस कंडीशन में 874 यानी 874, दूसरा टारगेट 868 यानी 868, और तीसरा टारगेट 862 यानी 862 रुपए का। स्टॉप लॉस 886 का यानी 886 का होगा। दोस्तों,
बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत कीजिए। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो सारा कैपिटल आपका यहाँ पे वाइप आउट हो सकता है, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर कीजिए। अगर मेरी एनालिसिस पसंद आती है दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।